तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग के कुछ बेसिक फंडे डिस्कस करेंगे, जिसके बगैर हाइपर रियलिस्टिक स्केच पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट थिंग जो है वो है डिटेलिंग। अगर आपको रियल लुक देनी है तो छोटे छोटे बारीक से बारीक चीज़ों को ऑब्जर्व करके, जैसे छोटे छोटे मार्क्स और अदर चीज़ें भी आप एज इट इज़ ड्रॉ कीजिए। कुछ चीज़ मत छोड़िए, छोटी से छोटी चीज़ों पिक्चर को जूम कर करके ऑब्जर्व कर करके ड्रॉ कीजिए। ऐसे धीरे धीरे आपको डिटेलिंग वर्क की भी हैबिट हो जाएगी। एक और चीज़ गाइस, आपको आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद, जैसे आप आउटलाइन ड्रॉ कर ले, फर्स्ट काम जो एक एड ऑन जो आपको काम करना है, जो आप नॉर्मल करते हैं उससे काम एक्स्ट्रा आपको करना है, कि जो भी आपके पास सबसे लाइट पेंसिल हो, 2H, 3H, 6H, मैंने तो जैसे आप स्केच में देख सकेंगे मैंने 3H का यूज़ करा है। तो आपके पास जो भी लाइट पेंसिल हो, एकदम लाइट पेंसिल, उससे एक फर्स्ट बेस लेयर आप बना लें। उस बेस लेयर को ब्रश से ब्लेंड कर लें। उसके बाद जैसे आप नॉर्मल स्केच बनाते थे वैसे आप बनाइए। आपको जब वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपको उसमें एनहांसमेंट, जो थोड़ा फ़र्क है वो क्लियरली खुद दिखेगा आपको। और हाँ गाइस, अगर आप बैंगल्स वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं या ज्वेलरीज बना रहे हैं या एक्सेसरीज जो भी बना रहे हैं आप, तो हमेशा उसकी शेडो ज़रूर ड्रॉ करना। जैसे बैंगल्स में आप देख रहे होंगे वीडियो में, मैंने लोअर साइड में थोड़ा डार्क करा एरिया को, इससे जो आपका रियलिस्टिक लुक ज़्यादा आएगा किसी भी चीज़ का। और क्लोज के लिए गाइज, आपको जो पिक्चर है आपकी रेफरेंस इमेज, उसको ऑब्जर्व अच्छे से करना होगा, गौर से कि ऑब्जर्व करेगी कि कहाँ कहाँ उनके फोल्ड्स हैं। बिकॉज क्लोथ का जो रियलिस्टिक लुक है वो उनके फोल्ड से ही आता है, कि कहाँ कहाँ पे कर्व हो रहा है कपड़ा, कहाँ नहीं हो रहा।
तो जितना आप उसको बेटर वे से ड्रॉ करेंगे, जो भी उनके फोल्ड्स वगैरह हैं, जितना आप उनको बेटर टाइम लगा के बेटर वे से ड्रॉ करेंगे, आपका जो क्लोथ का टेक्सचर है वो और ज़्यादा उभर के उसी रियलिस्टिक और ज़्यादा उसी से आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।